ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से दारोगा और महिला पुलिसकर्मी मना रहे थे बंद कमरे में रंग रलिया और मौके पर ही महिला पुलिसकर्मी ने परिवार के दारोगा को दबोचा। साथ ही आपको बता दें कि दारोगा की उस वक्त जमकर पिटाई की गई। महिला पुलिसकर्मी की बहन दारोगा को थाने ले आई। दारोगा और महिला पुलिसकर्मी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला पुलिसकर्मी और दारोगा दोनों ही आगरा में तैनात है और आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के 50 मीटर दूरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला पुलिसकर्मी और दारोगा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? जी बिल्कुल आरती, बता दूं मैं, कल करवा चौथ का जो है त्योहार था, तो करवा चौथ के त्योहार पर ही ये जो दरोगा है यही आगरा से थाना कोतवाली का जो है वहां तैनात है। तो ये कल जो है करवा चौथ के त्योहार पर अब ये पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी है एतमादपुर में, वहां उससे मिलने के लिए आया। तो वहां पर अंदर एक बंद कमरे में जो उसके साथ रंग रलिया मारा रहा था, किसी तरह महिला पुलिसकर्मी के परिजनों को पता लगा, तो महिला पुलिसकर्मी के परिजनों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और मौके पर पकड़ के उस दरोगा की खूब जो है वहां पे लाश ढूंढ के उसकी पिटाई की है। पिटाई करके फिर उसको जो उसकी महिला पुलिसकर्मी की जो बहन है उसको पकड़ के रोड पर घसीटते हुए थप्पड़ मारते हुए जो है थाने ले गई है और थाने लेकर के फिर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। जी ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।